हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को राधे राधे मेरी तरफ से, जय माता दी सभी को। तो इधर मैं मनी का वेट कर रही हूँ। मनी की छुट्टी हो गई होगी स्कूल की, गाड़ी आने वाली है उसकी, तो इधर से देख लेती हूँ। नीचे आ जाती है गाड़ी, फिर वो अपने आप ऊपर आ जाती है लिफ्ट से। अब उसको लेने नहीं जाने पड़ता, अब धूप बहुत होती है तो मन नहीं करता, तो वो अपने आप आ जाती है। अब ये आराम है कि उसकी गाड़ी अंदर आ जाती है तो अपने आप ऊपर आ जाती है। तो इधर से मैं देख लेती हूँ कि गाड़ी आ गई है। तो मनी आ गई है लिफ्ट से, तो उधर देख रही हूँ कि लिफ्ट से आने वाली है। इधर कूड़ा जा रहा है, ये देखो आ गई मनी। अब इतना आराम हो गया है कि मनी अपने आप आ जाती है। तो मनी आ गई है, मनी की ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी और मैं निकलने वाली भी हूँ, कहीं जाने वाली हूँ। तो इधर मैं जा रही हूँ, तो मनी से बोला जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज कर लो फिर चले। फाइनली आज दिन आ गया है वो जिसके बाल चले जाएंगे। आप लोग देखिए आगे इसका क्या करने जा रही हूँ। आगे चल के दांत निकालेंगे। वीडियो डन। अरे मार दे थी सवारी ने। मैं ऐसे आसान। मैं ऐसे आसान। ऐसे ही आसान। जा रही हूँ अपने मंदिर जा रहे सब लोग। बहुत परेशान था ना बनी। तो इधर मैं पहले घर गई थी, फिर घर से लिया। मम्मी नहीं आई है, ये भाई बहन वगैरह आए हैं, तो वो ही वीडियो बना रही है। तो इधर मंदिर आ गई हूँ। ये है राजपुर के पास मंदिर है हनुमान जी का, वहीं बनी का दूसरा मुंडन होगा। तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाई हूँ किसी के, क्योंकि इनके पैर में चोट लगी थी ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं था। अब ये ड्यूटी भी ज्वाइन कर लिए हैं अपनी, तो मैंने कहा गर्मी भी बहुत बढ़ रही है, बनी बहुत परेशान था, तो मैंने कहा पहले मैं भी इनके साथ निकल जाऊँ, तो ये करा के आ जाऊँगी जल्दी। तो मैं ये पहुँच चुकी हूँ मंदिर में। बनी के बुआ तक को मैं किसी को नहीं बुलाई थी क्योंकि टाइम नहीं था, वो ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चला पाते हैं। बस घर गई, वहीं पे इनकी ड्यूटी इस समय चल रही है। अभी डंडा लेके चलते ही हैं, तो इधर इनके बनी का मुंडन करवा दूंगी। काफ़ी अच्छा मंदिर है, बड़ा भी बहुत मंदिर है। यहाँ पे जब वो होता है भादों का वो महीना होता है ना, तब जब बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, तब बहुत भीड़ होती है। इस समय तो शांति है, तो बनी को आराम मिल जाएगा, इसके बाल निकल जाएंगे। एक चोटी भी नहीं बंधवाता था, बहुत रोता था, आप लोग देखते ही थे ब्लॉग में। तो इधर पन्नी में आटा वगैरह जो कुछ होता है सो ले आई थी। बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने मुझे तो मौका मिला इनके साथ निकलने का, तो मैं चली आई हूँ। इस समय बच्चों की छुट्टी भी नहीं हुई है, तो कि टाइम और रुक जाऊँगा। कितने शांत बैठा है बनी, उसको आराम मिल जाएगा कि इतने बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाल हो गए थे इसके, बहुत रोता था जब चोटी इसकी बांधते थे हम। तो दो बतासे इसने ले लिए थे मंदिर से, पुजारी बाबा ने इसको प्रसाद में दे दिए थे, तो वो छोड़ नहीं रहा था, उसको ही लिए वैसे ही बैठा रहा। मतलब इतने बड़े बाल थे कि पूछो नहीं, जो आटा लाई थी वो भी कम पड़ गया। तो इधर मैंने एक एक बाल इसके साफ कर लिए हैं, हो गया पूरा। कितने शांति से करवा रहा, देखिए उसको आराम मिल गया। सोच रहा है मुझे कि आज मुझे छुट्टी मिल गई चोटी से। ये देखिए बच्चे रोते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं रोया, जब छोटा था तब रोया था। फिर निकल आई थी लखनऊ ये सब करा के, क्योंकि एक भी दिन बच्चों की छुट्टी नहीं थी, संडे को ही मुझे टाइम मिला। तो बस गाइस, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय सभी को।